नमस्कार, मैं जिया यादव, कारण न्यूज की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कन्हैया के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। इस पावन अवसर पर हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थी। उनका नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालीनंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था, क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहाँ जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। श्री कृष्ण ही 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनि से 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम है, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन और तो बाकी बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन है। देवकी की 7वीं संतान बलराम और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे सिर्फ एक बार राधा रानी से वह मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ता उम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे। भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। जी हाँ, उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे एक पेड़ पर बैठे थे, तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चुड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। आखिरी और सबसे जरूरी तथ्य, शायद ही वह आपको पता हो, भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गधा का नाम कोमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो कि गुलाबी रंग का था। ऐसे ही रोचक बातें जानने के लिए, रोचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए कारण न्यूज के साथ। नमस्कार।